हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल UIS पर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक सिलेंडर सील किट। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने यहाँ देखा है, हमने जो डायग्राम बनाया हुआ है हाइड्रोलिक सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन व्यू है। इसमें हमको क्रॉस सेक्शन व्यू में इसके इंटरनल जो भी पार्ट्स हैं और जो भी सीलिंग पोर्शन होते हैं, हमारी जो सील होती है उसका क्रॉस सेक्शन व्यू आपको यहाँ दिख रहा है। तो पहले हम क्लियर कर दें, तो ये जो हमारा हाइड्रोलिक सिलेंडर है, यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर ये हमारा पिस्टन रॉड है, और ये जो ये हमारा जो इतना पीस दिख रहा है, ये हमारा पिस्टन है जो कि यहाँ पर लॉक नट से, पहले तो ये इसमें पिस्टन टाइट किया हुआ है इसके थ्रेड में, और फिर पीछे से ये लॉक नट लगा हुआ है। और ये हमारा एंड कवर है, एंड कवर में भी आपको देख रहे होंगे यहाँ से, ये जो हमारी जो वॉल बॉडी है इसके आउटर साइड से ऐसा फिक्स हुआ है, और ये स्टेप एंड कवर का ये आपका क्रॉस सेक्शन में देख रहा होगा यहाँ तक है। तो फ्रेंड्स, जनरली हमारा कोई भी हाइड्रोलिक सिलेंडर में दो अलग अलग पोर्शन में सीलिंग एरिया होते हैं, सील्स होती हैं। एक तो पिस्टन में होती हैं, तो जो पिस्टन में लगती हैं उनको जनरली सारे सील्स के कॉम्बिनेशन को पिस्टन सील्स कहा जाता है, और जो हमारे जो यहाँ एंड कवर में लगती है उनको रॉड सील कहा जाता है। वो इस सिलेंडर के एक्सटर्नल लीकेज को प्रिवेंट करती हैं, और जो हमारा पिस्टन सील होता है ये एक साइड के जो भी हमारा प्रेशर या ऑयल का वॉल्यूम रहता है वो दूसरे साइड में उसको जाने से रोकता है, उसको प्रिवेंट करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, हम बात करेंगे अभी पिस्टन से। तो पिस्टन में जो सील लगी हुई है हमारी, जैसा हम यहाँ आपको दिखा पा रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए जिसका ये हमारा यहाँ पर क्रॉस सेक्शन व्यू में आप जो दिखा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम है जिसका। ये हमारा यहाँ पर ये गाइड रिंग, बोल सकते हैं इसको, गाइड टेप बोल सकते हैं। ये हमारी पिस्टन की मेन सील है। तो अभी यहाँ पर जो फिलहाल जो प्रोफाइल हम आपको दिखा रहे हैं सील का, ये एक्चुअली कंपोजिट सील का यह प्रोफाइल है कि यहाँ नीचे साइड में ओरिंग रहता है, ऊपर में ये हमारा कंपोजिट सील लगा होता है। ये अलग अलग मटेरियल में अलग अलग प्रेशर रेटिंग के लिए और अलग अलग टेम्परेचर रेटिंग के लिए अलग अलग मटेरियल की बनती हैं, फील्ड PTFE और अलग अलग टाइप के मटेरियल रहते हैं। और ये जहाँ ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ पर जैसे ओरिंग लगी हुई है तो कुछ जगहों पर NBR की लगती है, कुछ जगह पर वाइटन की लगती है। तो वो सब आगे हम इसके बारे में डीपली एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें आपको उसके बारे में बताएंगे क्या मटेरियल और किस तरीके से उसका प्रेशर रेटिंग या टेम्परेचर रेटिंग रहता है। तो ये हो गई पिस्टन की मेन सील, और ये रहती है जैसे कि हमने आपको बताया कि पिस्टन जो है पिस्टन रॉड में थ्रेडेड पोर्शन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर ये थ्रेड से होता हुआ हमारा, अगर सपोज करिए कि कैप एंड थ्रेड प्रेशर है तो वो रॉड एंड साइड में ना जाए, उसके लिए यहाँ से तो हमारा पिस्टन के आउटर बॉडी से तो हमारा ये मेन सील यहाँ पर सीलिंग कर लेगा, और जो थ्रेड के पोर्शन से होता हुआ जो भी हमारा ऑयल का जो स्मॉल वॉल्यूम होगा वो यहाँ से पास होने के चांसेस रहते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक ओरिंग और बैकअप रिंग का सेट लगा रहता है। तो बैकअप रिंग का सेट इसमें आप देख रहे होंगे दोनों साइड से आपको दिख रहा है, ओरिंग सेंटर में दिख रही है। क्यों? बिकॉज जब हमारा कैप एंड साइड से जब प्रेशर जाएगा तो रॉड एंड साइड को लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए हमारा जब ओरिंग पे एक्ट करेगा प्रेशर, तो ये वाला हमारा जो बैकअप रिंग है वो उसको एक्ट करके उसका प्रेशर रेटिंग बढ़ाएगा, और जब हमारा रॉड एंड साइड में जो ऑयल का प्रेशर है वो उसको लीक हो करके कैप एंड साइड में पहुंचने से प्रिवेंट करने के लिए जब हमारा ऑयल का प्रेशर एक्ट करेगा तो ओरिंग पे इस तरफ से इफेक्ट पड़ेगा, प्रेशर एक्ट करेगा, तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो बैकअप रिंग है वो उसको सपोर्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, और जो गाइड टेप है, गाइड टेप या गाइड रिंग को जो हम जनरली गाइड रिंग या गाइड टेप बोलते हैं, इसका काम होता है कि बेयरिंग लोड को बेयर करना। क्योंकि देखिए, सपोज करिए कि बहुत ही कम माइक्रोन्स का क्लियरेंस रहता है पिस्टन पिस्टन का जो डाया है और जो बोर डाया है उसके ऊपर यहाँ पर ये सीलिंग एरिया काम करता है। तो अब अगर सपोज करिए कि सिर्फ 5 या 6 माइक्रोन अप है ये हमारा पिस्टन के जो जो डाया है उससे ये अप है हमारा 5 to 6 माइक्रोन, क्योंकि बिल्कुल इसके एग्जैक्ट साइज का बना देंगे तो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होगा, वहां पर सीलिंग नहीं होगा। तो इस सील को काम करने के लिए पिस्टन के डाया से 5 to 6 माइक्रोन प्लस बनाया जाता है। अब 5 to 6 माइक्रोन सिर्फ जब ये देखिए हमारा पिस्टन का जो विड्थ है ये कितनी ज्यादा है और सील का सिर्फ चौड़ाई जो क्रॉस सेक्शन जो एरिया है वो कितना है। तो अगर सिर्फ इतने एरिए पर हम सिर्फ 5 to 6 माइक्रोन ज़्यादा रखेंगे बस, बाकी के जितना भी एरिया है पिस्टन का वो 5 to 6 माइक्रोन अगर डाउन रहेगा तो हमारा ट्विस्ट हो सकता है। किस तरीके से? अगर ये जो सिंपल इस तरीके से चल रहा है वो इस तरीके से हल्का सा ऐसा या इस तरह से
ऐसा बेंड हो सकता है, उस टाइम पर फ्रिक्शन बढ़ सकता है, मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट हो सकता है। तो उस टाइम पर क्या होता है, बेरिंग लोड को वियर करने के लिए हमारा यहाँ पर ये गाइड टेप लगाया जाता है, ताकि जितना हमारा यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर जो भी हमारा 5 to 6 माइक्रोन प्लस रहेगा, उसी साइज में ये हमारा गाइड टेप बनता है 5 to 6 माइक्रोन प्लस बना करके, ताकि वो एक लाइन में एक बराबर चले। और इसको ये जैसा कि हम रोलिंग एलिमेंट के लिए आप देखे होंगे, बॉल बेरिंग रोलर बेरिंग लगाकर उनको रोटेशन के लिए सपोर्ट दिया जाता है, वैसे ये लीनियर मूवमेंट के लिए, इसको सपोर्ट देने के लिए हमारा ये बेरिंग की तरह काम करता है, बेरिंग लोड बियर करता है। तो इस तरीके से हमारी पिस्टन की जो सील है वो काम करती है। अब हमारा आया एंड, जो ये रॉड का जो रॉड सील जो लगी हुई है हमारी एंड कवर में, तो देखिए यहाँ पर जो हमारी सीलिंग एरिया हमारे दो दिखा रहे हैं, एक ये है एक ये है, और ये जैसा यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया का काम है, मीन्स ये हमारा यहाँ पर आपको हमने जो दिखाया है ये हमारा गाइड रिंग है। तो अगेन गाइड रिंग का जैसे हमने आपको पर्पज बताया बेरिंग लोड वियर करने के लिए, अभी यहाँ पर पिस्टन रॉड हमारा जो एंड कवर में चल रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट एक लाइन में चले, उसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे लीनियर मूवमेंट को ये हमारा बेरिंग लोड लेकर के गाइड रिंग सपोर्ट करता है। अब देखिए हमारा इस साइड से, तो जब भी हमारा रॉड एंड साइड से हमारा जब भी प्रेशर आएगा तो पिस्टन को धकेलने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर जो सीलिंग पोर्शन लगा हुआ पिस्टन का सील यहाँ पर सील कर लेगा। अब जब यही प्रेशर सेम हमारा एक्ट करेगा एंड कवर की तरफ, उस समय पे हमारी ये सील इनको सील करती है। तो होता क्या फ्रेंड्स कि ये हमारा यहाँ पर जो लगा हुआ ये प्राइमरी सील, ये सेकेंडरी सील की तरह काम करता है। अब प्राइमरी सील में क्या होगा कि सपोज करिए यहाँ पर जैसे प्रेशर एक्ट करना स्टार्ट किया, प्रेशर एक्ट करना स्टार्ट करता है, तो हमारा ये क्या होता है कि यहाँ पर प्राइमरी सील है ये, जो भी मैक्सिमम जो भी ऑयल का वॉल्यूम या प्रेशर होता है ये होल्ड करके रखता है। इसके बाद जो भी हमारा अगर सपोज करिए कोई बारीक सा ऐसा रॉड में स्कोर हो गया है या नहीं भी हुआ है, तो भी यहाँ पर बहुत ही सम रेसिडियो ऑफ ऑयल यहाँ से पास होता है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल फिक्स एरिया फिक्स पार्ट तो है नहीं, मोमेंट्री पार्ट है, तो सम क्लियरेंस तो रहेगा ही, तो कुछ ऑयल का रेसिडियो यहाँ से पास होता है, तो वो जो पास होता है वो इसके आगे वाली जो सेकेंडरी सील है वो यहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा होता रहेगा, फिर जब वो प्रेशराइज होता है तो प्रेशराइज ऑयल को भी यहाँ पर सेकेंडरी सील हमारी सील कर लेती है। और अगर हमारा प्राइमरी सील से लीक हो गया है तो काफ़ी हद तक हमारा सेकेंडरी सील भी उसको रोकता है, पर अगर हमारे दोनों सील में लीकेज हो गया है या दोनों सील में वियर एंड टियर हो गया है या रॉड हमारी स्कोर हो गई है, तो ये दोनों ही ऑयल सील को क्रॉस करके हमारा यहाँ पर ऑयल जो है यहाँ से बाहर होगा, बाहर जाता हुआ दिखाई देगा, जो कि एक्सटर्नल लीकेज हमको दिख सकता है बाहर से रनिंग में भी, और उससे हमारा प्रेशर ड्रॉप भी होगा, उससे भी हम जज कर सकते हैं अगर हम कुछ ऐसे पोजीशन में हमारा सिलेंडर लगा हुआ है जहाँ कर जाके हमारा बिल्कुल इजी एक्सेस नहीं है, यहाँ बहुत ही अंदर कहीं डीप पोर्शन में लगा हुआ है सिलेंडर, तो हम प्रेशर ड्रॉप से भी उसको जज कर सकते हैं। तो देखिए ये प्राइमरी सील हो गई, ये सेकेंडरी सील हो गई। अब अभी हम इसको प्रोफाइल के बारे में अगर आपको बताएं, तो प्रोफाइल के बारे में देखिए कैसा है फ्रेंड्स कि इसमें एक्चुअली यहाँ पर जो लगा हुआ है ये यूकप सील का, हमने ऐसा रफली यहाँ पर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट हमने प्रोफाइल यहाँ पर ड्रॉ करके नहीं दिखाई, बिल्कुल सिंपल में आपको समझाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पर ये दोनों ही यूकप सील आपको दिखा रहे हैं, तो यूकप सील का जनरली क्या होता है, प्रेशर होल्ड करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है कंपेरिजन टू कंपोजिट सील या चेरन सील के। और उसके बाद क्या होता है कि देखिए ये तो यहाँ से हो गया, अब यहाँ पर आपको सीलिंग पोर्शन दिख रहा होगा, बट ये ऑयल सील करने के लिए नहीं है, जो भी डर्ट एंड डस्ट ये पिस्टन रॉड में लग करके जब जब भी मूवमेंट होता है तो ये इसके अंदर डर्ट और डस्ट एंट्री ना हो, उसके लिए वाइपर सील यहाँ पर यूज़ की जाती है, इसको डस्ट सील भी बोलते हैं, डस्ट को प्रिवेंट करता है सिस्टम के अंदर एंट्री करने से। तो इसकी लिप हमारी क्या होती है, बाहर की तरफ होती है, क्योंकि बाहर की तरफ से आने वाले डर्ट एंड डस्ट को और फॉरेन पार्टिकल को प्रिवेंट करता है अंदर एंट्री होने से। तो इसका लिप हमारा देखिए बाहर की तरफ रहेगा और बाहर से आने वाले डर्ट एंड डस्ट को अंदर एंटर करने से प्रिवेंट करता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो प्रोफाइल दिख रहा है आपको सेम यहाँ पर दिख रहा है आपको बैकअप रिंग और ओ रिंग। तो देखिए जब भी हमारा यहाँ पर रॉड एंड साइड में जो भी ऑयल का प्रेशर रहता है, ये तो सील से तो हमारा ये रॉड के पास से लीकेज होने से बच जाएगा, बट एंड कवर के जो थ्रेड हैं वहाँ से लीकेज हो करके यहाँ पर एंड कवर के थ्रेड से या फ्लैन से बाहर ना आए, उसके लिए यहाँ पर ये दिया है ओ रिंग और बैकअप रिंग। तो जब भी यहाँ से प्रेशर एक्ट करेगा, प्रेशर एक्ट करके हमारा ये ओ रिंग इसको सील कर लेगा और उसको बैक सपोर्ट देने के लिए बैकअप रिंग है जो कि उसका प्रेशर रेटिंग बढ़ा देता है। तो फ्रेंड्स देखिए जैसा कि हमने आपको इस पर्टिकुलर ड्राइंग में बताया कि किस तरीके से हमारी कौन सी सील एक्ट करती है, अभी यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया कि कंपोजिट सील का हमने आपको प्रोफाइल बनाया हुआ है, यहाँ पर हमने यूकप सील का प्रोफाइल बनाया हुआ है,
इसमें पिस्टन सील में भी कुछ अलग अलग टाइप की सील्स आती हैं। अभी यहाँ पर सिर्फ सिंगल सील लगी हुई है, यहाँ पर डबल, अगर इसको लिप वाइज अगर इसमें यहाँ पर क्या होता है, कई बार ऐसा लिप दे दिया होता है कि सिर्फ वो वन साइड ही प्रेशर को रोकने के लिए एक्ट कर सकती है, तो उस कंडीशन में हमको दोनों तरफ सील लगानी होती है कैप एंड साइड का ऑयल लीकेज करने, लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए। कैप एंड साइड की एक अलग लगेगी यहाँ पर, और रॉड एंड साइड की उस ऑयल को सील करने के लिए वो अलग लगेगी, क्योंकि दोनों में अलग अलग लिप दिया होगा। ये कॉमन है दोनों के लिए, दोनों साइड से प्रिवेंट करेगी ऑयल का लीकेज इसमें, इसलिए इसमें सिर्फ एक सिंगल सील लगी हुई है। सेम ऐसा इसमें चेरोन सील भी आती है, तो चेरोन सील हमेशा सेट में लगती है, वो सिंगल एक सील नहीं रहती, उसमें एक पीछे से बैकअप रिंग रहती है, उसके ऊपर चेरोन सील के सेट रहते हैं, वो 3 का सेट और 5 का सेट, 2 का सेट अलग अलग रह सकता है। तो उसमें भी हमको दोनों साइड के लिए कैप एंड साइड और रॉड एंड साइड के लिए दोनों के लिए अलग अलग लगानी होती है। अगर यूकप सील है तो यूकप सील भी अगेन हमें दोनों तरफ के लिए अलग अलग लगानी पड़ती है, क्योंकि उसमें भी सिर्फ सिंगल साइड ही लिप रहता है, सिर्फ सिंगल साइड का ही प्रेशर वो होल्ड करने के लिए या लीकेज प्रिवेंट करने के लिए डिजाइन की जाती है। और सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पर यूकप सील है, तो यूकप सील की जगह चेरन सील भी हो सकती है, और वो सेट में ही लगती है, 3, 5, 7 अलग अलग, वो नंबर ऑफ सील अलग अलग रहता है, वो अकॉर्डिंग टू कितना प्रेशर होल्ड करना है, क्या वॉल्यूम है, क्या डाया है, उसके हिसाब से रहता है। और जैसा कि कंपोजिट सील मैंने आपको बताया, कंपोजिट सील भी यहाँ पर रह सकती है, तो कंपोजिट सील अगर प्लेन है तो भी, और अगर लिप वाली है तो भी, वहाँ पर अगर ये यहाँ पर फर्स्ट टाइम फर्स्ट ग्रुप में लगी हुई है तो प्राइमरी सील की तरह एक्ट करेगी, क्योंकि इसमें एक ही साइड से हमको सील को प्रिवेंट करना है, तो दोनों का लिप एक ही डायरेक्शन में रहे, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ऑयल का जो फ्लो है टुवर्ड्स सील की तरफ, आउटर की तरफ जाने का टेंडेंसी रहता है, तो उसकी दोनों अगर सील हमारी अगर कंपोजिट सील लिप वाली लग रही है तो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगा, यूकप सील लग रही है तो दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ रहेगा। पिस्टन में अलग अलग रह सकता है, क्योंकि उसमें दो अलग अलग साइड से हमको लीकेज प्रिवेंट करना है। तो फ्रेंड्स ये हमने एक छोटी सी जानकारी आपको बताने के लिए, ये हमारा हमने यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश की है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि हम आपको अलग अलग टाइप की सील्स लाइव दिखाएंगे, उनका प्रोफाइल के बारे में समझाएंगे, किस तरीके से वहाँ पर प्रेशर एक्ट करता है, तो वो किस तरीके से अपने सीलिंग लिप को एक्सपांड करती हैं या उस पर पकड़ बनाती हैं पिस्टन पर, ताकि वो सीलिंग कर सकें। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।